क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है डीपी। वेलकम टू रिव्यू शिव्यू। सो आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ पोको X3 के कैमरा को सैमसंग गैलेक्सी M51 के कैमरा के साथ। दोनों ही फ़ोन्स अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं और प्राइस डिफरेंस तो है डेफिनेटली, लेकिन स्पेक्स काफ़ी सिमिलर हैं। तो मैंने सोचा डेफिनेटली एक वीडियो बनती है जहाँ मैं दोनों के कैमराज को कंपेयर कर सकूँ और आपको एक बेटर आइडिया लग जाए कि दोनों में से बेटर कैमरा किसका है। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। गाइस, कंपैरिजन को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली चीज़, दोनों ही फोन्स के बेस्ट बैंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है। दूसरी चीज़, पोको X3 जो फ़ोन है उसमें जो फ्रंट कैमरा है उसमें कोई भी डेडिकेटेड वाइड एंगल मोड आपको नहीं मिलता है। वो जो कैमरा है वो थोड़ा सा वाइड एंगल है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M51 में आपको एक डेडिकेटेड वाइड एंगल मोड मिलता है फ्रंट कैमरा में। सो इस चीज़ को आप डेफिनेटली कंसिडर कर लेना इन दोनों में से किसी भी फ़ोन को ख़रीदने से पहले, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फ्रंट कैमरा के बारे में एंड उसमें सारी चीज़ों को कवर करूँगा, इंडोर्स आउटडोर्स लो लाइट, एंड देन विल स्विच टू रियर व्यू कैमराज एंड वहाँ पे भी मैं सारी चीज़ों को कंसिडर करूँगा लाइक इंडोर्स आउटडोर्स एंड लो लाइट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो। तो बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। सो गाइज, ये वाली जो फोटो है आप देख रहे हो सैमसंग गैलेक्सी M51, थोड़ा ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड है बट आँखों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब प्लीजिंग फोटोज़ वो क्लिक करता है। X3 ऑन दी अदर हैंड ज़्यादा नेचुरल लुकिंग कलर्स प्रोड्यूस करता है बट उसका डायनामिक रेंज M51 जितना अच्छा नहीं है। अगर आपको इस फोटो में क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको अगली फोटो में दिखाऊंगा बकायदा कि कैसे डायनामिक रेंज जो है वो M51 में बेटर है। लाइक अभी अगर हम दूसरी फोटो में जाएँ तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो क्लाउड्स हैं वो कितने अच्छे से दिख रहे हैं M51 में, लेकिन पोको X3 में वो हल्के से ब्लो आउट हुए हैं, थोड़े से फेड हो रहे हैं एंड मेरी शक्ल भी इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है और दोनों एकदम सेम कंडीशन में मैंने क्लिक की है। उसके बाद अगली फ़ोटो अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी जो क्लाउड है और जो स्काई है वो कितना ईजिली और अच्छे से विजिबल है। ऑन दी अदर हैंड X3 जो है, पोको X3, उसने अच्छा काम किया है इस फोटो में पिछले वाली फ़ोटो से, लेकिन स्टिल और बेटर हो सकती थी। पोको X3 का डायनेमिक रेंज अच्छा है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है थ्रू आउट द ट्रायल। अगली जो फोटो है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो पोर्ट्रेट शॉट मैंने लिया फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हुए एंड यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51 में जो बैकग्राउंड में आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं या फिर जो पत्ते दिख रहे हैं वो कितने क्लियरली विजिबल हैं। ऑन दी अदर हैंड पोको X3 में जो स्काई है वो कम्प्लीटली ब्लो आउट हो चुका है, आपको कुछ टेक्स्चर कुछ नहीं नज़र आएगा वहाँ पर। सो यही मैं बोल रहा था कि डायनामिक रेंज M51 की बढ़िया है। नेक्स्ट फोटो की तरफ अगर जाएं तो ये इंडोर कंडीशन में मैंने क्लिक किया, M51 थोड़ा ज़्यादा ओवर सैचुरेट कर रहा है, जो ऑरेंज कलर वो पिंक दिखा रहा है बट पोको X3 ज़्यादा नेचुरल कलर शो कर रहा है एंड वाइड एंगल भी है ये। इसमें एक्स्ट्रा आपको वाइड एंगल फ्रंट कैमरा नहीं मिलता है, नॉर्मल कैमरा इसका वाइड एंगल है और ये काफ़ी डिसेंट फोटोज़ क्लिक करता है। हाय, सो अभी आप जो ये फुटेज देख रहे हो ये सैमसंग गैलेक्सी M51 से और मैं इंडोर्स लाइट में शूट कर रहा हूँ। सबको आइडिया लग गया होगा कि फुटेज में क्लैरिटी कितनी है एंड स्टेबलाइजेशन तो खैर मैं क्या ही बताऊँ, घर में जब भी हम शूट करते हैं स्टेबलाइजेशन इतना ज़्यादा देखते नहीं है बट यही है जो सीन है आप देख सकते हो। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो सैमसंग गैलेक्सी M51 का कैमरा है उसमें जो शटर स्पीड है वो हल्की सी स्लो लगी मेरे को, शायद ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सैमसंग ठीक कर दे क्योंकि अभी नया फ़ोन है ये, तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे अभी। हाय, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो पोको X3 से शूट हो रही है एंड इसमें मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो कलर एक्यूरेसी है मतलब कलर प्रोडक्शन है जो इस कैमरा के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब एकदम नेचुरल कलर रहता है, ओवर सैचुरेट बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन HDR जो है मतलब हाई डायनामिक रेंज वो डेफिनेटली बेटर हो सकती थी। अगर मैं M51 के साथ कंपेयर करूँ, M51 का जो HDR है वो बहुत ही मस्त है, लेकिन इसका भी कैमरा काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग द प्राइस, वो महंगा फ़ोन भी है, लेकिन इसमें मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये हर एक वीडियो को चाहे आप फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हो या बैक कैमरा से शूट कर रहे हो थोड़ा ओवर शार्प कर देती है, ठीक है, इसका जो कैमरा है। तो ये चीज़ मेरे को हल्की सी मतलब अच्छी नहीं लगी बट ओवरऑल मेरे को इसका कैमरा पसंद आया, काफ़ी डिसेंट है एंड डेफिनेटली लाइकेबल भी है। आप खैर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अभी मैं रूम के अंदर हूँ और जितनी भी लाइट्स हैं रूम की वो मैंने जला रखी हैं। दोस्तों, ये लो लाइट में फ्रंट कैमरा से शूट किया मैंने, दोनों ही फ़ोन्स में नाइट मोड ऑन था। यहाँ पे क्लियरली M51 का जो फ्रंट कैमरा है वो बेटर फोटोज़ क्लिक करता है लो लाइट में और नाइट मोड ऑन रहता है तब। अगली फ़ोटो की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये बैक कैमरा से मैंने शूट किया, यहाँ पे भी गैलेक्सी M51 जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, मतलब जो कलर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। X3 में थोड़े ज़्यादा नेचुरल कलर्स हैं
बट ओवरऑल प्लीजिंग M51 का कैमरा शॉट्स क्लिक करता है, मतलब जो फोटोज़ है वो M51 के थ्रू ज़्यादा प्लीजिंग लगती हैं। तो ये चीज़ मुझे M51 में पसंद है, लेकिन X3 का जो कैमरा है वो भी काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट। ये वाली जो फोटो है वो वाइड एंगल में मैंने शूट की थी, एंड आप क्लियरली देख सकते हो गैलेक्सी M51 का जो कैमरा है वाइड एंगल में काफ़ी प्लीजिंग फोटोज़ तो क्लिक कर रहा है, लेकिन X3 में डिटेल्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। दोनों में ही डायनेमिक रेंज अच्छी है, M51 में थोड़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन M51 हल्की सी यहाँ पे भी ओवर सैचुरेशन कर रहा है, जो आंखों को प्लीजिंग ज़रूर लगती है। तो सोशल मीडिया वगैरह के लिए ये वाला कैमरा बेटर रहेगा। ये वाला अगेन आप शॉट क्लियरली देख सकते हो कि जो क्लाउड्स है एंड जो स्काई है वो बहुत ही अच्छे से विजिबल है, और X3 में हल्का सा मतलब फेड हो रहा है, बट जो डिटेल्स हैं वो पोको X3 में ज़्यादा बेटर हैं अगर आप उसको डायरेक्टली साइड बाय साइड कंपेयर करोगे सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ। सो ऐसे नॉर्मली देखोगे तो M51 का कैमरा ज़्यादा प्लीजिंग फोटोज़ क्लिक करता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स आपको पोको X3 में देखने को मिल जाएंगी, और दोनों के ही मेरे को रियर कैमरा से कोई भी इश्यूज़ नहीं है, दोनों ही बढ़िया फोटोज़ क्लिक करते हैं। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो ये पोको X3 से शूट हो रही है, इसमें कोई भी OIS नहीं है मगर EIS है। ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हो इट इज़ कमिंग फ्रॉम सैमसंग गैलेक्सी M51 रियर कैमरा, और इसमें OIS नहीं है, EIS है। और यहाँ पे मैंने दोनों का ही वाइड एंगल कैमरा यूज़ किया है वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ पे मेरे को पोको X3 का जो कैमरा वो हल्का सा बेटर लगा, डायनामिक रेंज इसमें इतनी अच्छी नहीं है वाइड एंगल वीडियो में, लेकिन ये जिटर कम हो रही है, M51 थोड़ी ज़्यादा जिटर हो रही है, मतलब EIS स्ट्रगल कर रहा है, और X3 थोड़ी बेटर लगी मेरे को। अगली फोटो में आप क्लियरली देख सकते हो ये इंडोर कंडीशन में शूट की गई है, एंड जो सैमसंग गैलेक्सी M51 है वो ज़्यादा ब्राइट फोटोज शूट करता है, ठीक है, लेकिन जो पोको X3 है वो नेचुरल कलर्स की तरफ स्टिक ज़्यादा कर रहा है, बट उसमें डिटेल्स आपको काफ़ी बढ़िया मिलेंगी। ओवरऑल दोनों ही बैक कैमरास मेरे को पसंद आए। नेक्स्ट ये वाली जो फोटो है ये वाइड एंगल मैंने इंडोर शूट किया था, एंड आप क्लियरली देख सकते हो जो टेबल क्लॉथ है उसमें जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो क्लियरली अच्छे से विजिबल है X3 में, क्योंकि डिटेल्स अच्छे से कैप्चर हुए हैं। सो उसका वाइड एंगल जो कैमरा X3 का वो डिटेल्स अच्छे कैप्चर करता है। ये वाली जो फोटो है वो लो लाइट में खींची गई है विदाउट नाइट मोड, और यहाँ पे M51 जो है वो बेटर फोटोज़ क्लिक करता है। जब हम नाइट मोड ऑन करते हैं तो सरप्राइजिंगली X3 का जो कैमरा है वो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर प्रोड्यूस करता है अपने नाइट मोड में, और ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई पोको X3 में। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें अभी तो ये वाली जो फ़ोटो है इसमें भी पोको X3 का जो कैमरा वो ज़्यादा प्लीजिंग फोटोज़ क्लिक कर रहा है विथ नाइट मोड ऑन, एंड गैलेक्सी M51 हल्का सा फेडेड है, तो इस मामले में मुझे पोको X3 का कैमरा ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस यही था पूरा कैमरा कंपैरिजन वीडियो। अब अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं कि कौन से फ़ोन का जो कैमरा है वो बेटर है, तो सबसे पहले अगर मैं प्राइस पैरामीटर को मतलब जो भी कॉस्ट है उसको साइड कर दूं, जबकि करना नहीं चाहिए क्योंकि प्राइस डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन अगर मैं उसको हटा दूं सिर्फ कैमरा पे फोकस करूं, तो गैलेक्सी M51 का कैमरा मेरे को बेटर लगा। लाइक फ्रंट कैमरा तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है पोको X3 से, क्योंकि डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया है, प्लस डिटेल्स भी ज़्यादा बेटर कैप्चर करता है गैलेक्सी M51 का कैमरा। लेकिन अगर मैं रियर व्यू कैमरास की बात करूँ तो मोर और लेस सेम है दोनों, लेकिन गैलेक्सी M51 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है पोको X3 के कैमरा से, लेकिन दोनों के रियर व्यू कैमरास काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। सो आप डिसअपॉइंटेड तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे अगर साइड बाय साइड कंपेयर करूँ तो M51 का जो रियर व्यू कैमरा है वो भी हल्का सा बेटर लगा मेरे को पोको X3 से। लेकिन अब अगर मैं कॉस्ट को मद्देनज़र रख के डिसाइड करूँ कि मेरे को कौन सा वाला कैमरा बेटर लगा, तो पोको X3 की तरफ मैं हल्का सा ग्रेविटेटेड रहूँगा, बिकॉज 7,000 रुपये के आसपास का फ़र्क है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है टू बी ऑनेस्ट। सो उस हिसाब से मैं बताऊँ तो X3 का जो कैमरा है पोको X3 का कैमरा वो काफ़ी बढ़िया है, एंड 20,000 रुपीज़ में इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कैमराज। सो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि 20,000 रुपये में आपको एक फ़ोन चाहिए जिसमें कैमरा अच्छा हो, देन पोको X3 आपको कंसिडर करना चाहिए।
हाँ, एक पूरा डेडिकेटेड रिव्यू मैं लेकर आने वाला हूँ अभी थोड़े दिनों में। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो। एंड यही थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। कोई भी फर्दर सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया गया है, आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। सो गाइस, ये थी पूरी वीडियो एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।